हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, आज उन्हीं क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो जहाँ से हमने कल क्वेश्चन ख़त्म किए थे, आज वहीं से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे और बहुत प्यारे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसीलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सवालों पे चलते हैं। सवाल देखिए क्या है। सवाल, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 740 है। 2 साल का साधारण ब्याज 740 है, 5% दर दी गई है। देखिए रेट कितनी दी गई है, रेट दी गई है 5%। रेट कितनी दी गई है, 5% रेट दी गई है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, SI, देखिए SI दिया गया है 740। सभी लोगों के समझ में आ रहा है? रेट कितनी दी गई, 5%, SI कितना दिया गया, 740। तो पूछा क्या गया है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। देखिए इसको हम दो तरीके से बताएंगे आप लोग, जो सबसे अच्छा तरीका लगे वही समझ सकते हो। देखिए 1 साल फर्स्ट और 1 सेकेंड, 2 साल की बात हो रही, बताइए 2 साल की बात हो रही। अब यहाँ पे बात समझिए, 740 है, SI 740 है। हमें पता है कि SI जो होता है हर साल क्या होता है, बराबर होता है। SI हर साल बराबर होता है, तो 740 जो है 2 साल का है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 370 होगा। दूसरे साल का भी कितना होगा, 370 होगा, नहीं होगा बताइए। 1 साल का मतलब 2 साल का 740 है, तो 1 साल का 370 होगा, दूसरे साल का 370 होगा, तभी तो 740 होगा। SI हर साल क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमें मालूम है ये तो SI दिया गया है, क्या दिया गया है, SI। हमें मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट जो CI होता है वो पहले साल के SI के बराबर ही होता है। देखिए CI और SI पहले साल का दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम CI निकालें, CI भी पहले साल का कितना होगा, 370 होगा, नहीं होगा बताइए, पहले साल का 370 होगा। अब दूसरे साल का, दूसरे साल का भी 370 होगा, प्लस हमने क्या बताया, ट्री मेथड में क्या बताता है, दूसरे साल में क्या होता है, 370 जो आता है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस इस 370 पर और आएगा, कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से और आएगा। आएगा नहीं आएगा, मतलब 370 तो आ ही रहा है, प्लस देखिए CI में क्या होता है, जो ब्याज मिलता है ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ये तो पहले साल का ब्याज आ गया, दूसरे साल का ब्याज वही, फिर इस पे भी 5% के हिसाब से। इसका 5% जब निकालेंगे 370 का, सभी लोग निकालना जानते होंगे, 5% 5% इसका निकालेंगे 370। देखिए कैसे 5% निकालते हैं, 370 × 5/100, 1 0 से 1 0, ठीक है, 5 से गुणा कर लेंगे, 5 × 7 = 35 के 5 हाथे लगे 3 × 5 = 15 और 3 = 18, 150 दिया गया और एक अंक दशमलव, 10 नीचे है, एक अंक दशमलव खिसक जाएगा, तो कितना आ गया, 18.5, कितना आ गया, 18.5 आ गया। तो इन्होंने पूछा क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 370 370 तो दोनों में इसी में भी आ रहा था, प्लस इसमें 18.5 ज़्यादा आया, तो कुल मिला के 3740 था, कुल मिला के 740 ब्याज मिलता था, प्लस 18.5 और मिलेगा, 18.5 और मिलेगा, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0.5, तो कितना ब्याज और मिलेगा, इतना ब्याज और मिलेगा, 758.5
5, इतना ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। 5% का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, 5% का मतलब होता है 1/20, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये देखिए दूसरा तरीका है, यहाँ से दूसरा तरीका समझिए, 1/20। देखिए हमने लिख लिया SI, एक लिख लिया CI, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए एक SI लिख लिया, एक CI लिख लिया। अब यहाँ से समझिए, SI क्या होता है, पहले साल 20 मिला होगा, 20 पे एक बढ़ता है, पहले साल 20 हमने फर्स्ट का मान लिया 20, सेकेंड में क्या किया, सेकेंड में भी 20, SI तो हमेशा सेम होता है। CI में क्या होगा, पहले साल 20, दूसरे साल में क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। CI में क्या होता है, 1/20 का मतलब 20 पे एक, पहले साल का 20 तो दूसरे साल का 21 हो जाएगा, तो ये हो गया 21, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारे हिसाब से यहाँ से देखिए 20 20, 40 आ गया, 40 का मान कितना दिया गया है, 740, ऐसा ही दिया गया 740, तो हमने 40 का मान 740 कर दिया। हमें मान किसका निकालना है, CI 41 है, 41 का मान निकालना है, 40 का मान 740 है, तो 41 का मान सभी लोग निकालना जानते होंगे, यहाँ से काट दीजिए, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 यहाँ 3 बचे, यहाँ 34 हो गए, 4 8 32, 2 बचे, 4 5 20, 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आ गया 18.5, 1 का मान 18.5 आ गया। हमें 41 का मान निकालना है, 41 का मान निकालना है, देखिए 40 का मान तो 740 दिया गया है, अब 1 का मान 18.5, तो 41 का मान कितना हो जाएगा, 41 का मान हो जाएगा 740 में 18.5 जोड़ देंगे तो 758.5। ये दूसरा तरीका उधर वाला हो गया, इधर वाला दूसरा तरीका है, ठीक है, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से सवाल लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब इसको बिगाड़ देते हैं, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये सवाल जो हैं, अगर आप इन सवालों को अच्छे से कर लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ नहीं बचेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस तो एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। और बात यह है, हम आप लोगों का जो टाइप है, जितने भी टाइप हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो सब ख़त्म कर देंगे, ठीक है, जितने भी टाइप चलेंगे वो सभी हम ख़त्म कर देंगे, जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइप होते हैं वो सभी ख़त्म कर देंगे। प्रैक्टिस करनी है तो एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल, आगे सवाल क्या है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 650 है, 1 साल में 650 है, ठीक है, फिर हो जाता है 2 साल बाद 676 हो जाता है, 2 साल बाद 676 हो जाता है, ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 1 साल में इन्होंने बताया 650, 1 साल में 650 हो गया, कोई दिक्कत, 1 साल में 650 हो गया। अब इन्होंने बताया 2 साल बाद, 1 साल बाद मतलब ये तो 1 साल हो गया, 1 साल बाद 650 हो गया, 2 साल बाद 676 हो गया, ठीक है, मतलब 1 साल और आगे कितना हो गया, 676 हो गया, ठीक है। इन्होंने बताया ब्याज की दर ज्ञात कीजिए और मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज की दर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इसे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है, काट देंगे, 13 से कट जाता है, पहली बात तो 26 से भी कट जाता है, 26 2 52, यहाँ कितने बचे 13, 130 हो गए, 26 5 130, इसको 26 से काट दिया, 26 2 52, यहाँ कितने बचे 26 2 52, यहाँ बचेंगे 15, और यहाँ हो जाएंगे 26 2 52, यहाँ बचेंगे 15, 156 हो जाएंगे, 26 6 156,
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ जो है 25 से धन कितना हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है। तो देखिए कितना बढ़ रहा है धन, एक बढ़ रहा है, एक बट्टे कितने पे बढ़ रहा है, 25 पे, एक बट्टे 25 कर दिया, एक धन बढ़ रहा है कितने पे बढ़ रहा है, 25 पे, तो एक बट्टे 25 हो रहा, तभी तो 25 से एक बढ़ के 26 होगा। देखिए 25 से एक बढ़ के 26 होगा इंटू 100, वैसे भी जानते हैं 1/25 का मान क्या होता है, 4%, नहीं जानते हो तो इंटू 100 करिए, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 4% दर आ गई, दर कितनी आ गई, 4%। अब तुम्हें मूलधन भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन भी ज्ञात करना है। तो देखिए एक साल में धन 6500 हुआ था, एक साल पहले जो धन था वही तो मूलधन होगा, एक साल बाद 650 हो गया, उससे पहले जो था वो मूलधन होगा। तो उससे पहले देखिए हम निकाल लेते हैं, अगर यहाँ 25 से 26 हुआ है तो यहाँ भी धन 25 से 26 हुआ होगा, बताइए कोई दिक्कत, यहाँ 25 से अगर 26 हुआ है तो यहाँ भी 25 से 26 हुआ होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने बताया था, अगर पहले साल का 25 से 26 हो रहा है तो दूसरे साल का भी 25 से 26 होगा, तीसरे साल का भी 25 से 26 होगा। तो देखिए 26 का मान ये हो गया, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 26 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, अभी हमने काटा था 25 बार, तो एक का मान कितना, 26 से इसको काटेंगे, 26 से 650 को काटेंगे तो कितनी बार एक का मान आ जाएगा, 25, 25 का मान कितना हो जाएगा, 625, ये क्या हो गया, ये मूलधन हो गया P, ठीक है, या हिंदी में लिख लीजिए, ये क्या हो गया मूलधन, और ये क्या हो गई दर, ठीक है, दोनों चीज़ें पूछी गई थी, दोनों चीज़ें हमने निकाल दी हैं। इस तरीके से आप लगा सकते हो सवाल को, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब देखिए अब इसके बाद आगे के सवालों पे चलते हैं, आगे का सवाल क्या है, आगे सवाल है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 4 गुना हो जाता है, इस धनराशि को 64 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, देखिए कितना प्यारा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है, बता रहा है 5 साल में 4 गुना, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 4 गुना, देखिए मान लिया धन 1 से 4 गुना हो गया, 1 है 4 हो गया, 4 गुना हो गया, कितने साल में हो गया, कितने साल में हो गया, 5 साल में, बताइए समझ आया, 1 से धन कितना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 साल में 64 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, 64 का मतलब 1 से 64, 64 गुना का मतलब यही तो हुआ 1 से 64। अब 64 का मतलब क्या होता है बताइए, 64 का मतलब होता है ये किसका, 4 का क्यूब है, देखिए हमने बताया था 1 साल में 4 हो जाता है, 1 साल में हमने बताया था 4 हो जाता है, अगर हम यहाँ पे वर्ग कर दें 1 का वर्ग और इधर 4 का वर्ग, तो यहाँ पे कितना साल हो जाएगा, 2 साल, अगर हमें 3 साल का पूछा गया तो इधर क्यूब हो जाएगा, इधर क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा 3 साल में, बताया नहीं बताया था, समय को जितना 3 गुना करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्यूब है और 1 का क्यूब 1 ही रहता है, तो इसका हमने क्या बताया, 3 गुना समय कर दीजिए, देखिए यहाँ पे क्यूब गया है तो समय कितना हो गया, 3 गुना हो गया, तो ये भी 3 गुना कर दीजिए, तो इसको जब 3 गुना करेंगे 5 को तो कितना हो जाएगा, 15 ईयर हो जाएगा, 15 साल में हो जाएगा, बहुत कुछ नहीं करना था, यही आंसर हो गया, बहुत सरल सवाल था, ये करना भी नहीं, ये तो समझाने के लिए बता दिया, देखिए 1 से 4 गुना, 1 से 64 गुना होना है, 64 गुना होना है, तो ये 4 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, तो 5 का 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना समय कर दीजिए, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। अब देखिए इसके बाद देखिए सवाल इसी की तरह है, सवाल अच्छा सवाल है, कोई धन 10 साल में 9 गुना हो जाता है, 10 साल में कितना हो जाता है, 9 गुना, देखिए 1 से 9 कर दिया,
नौ गुना कर दिया, कितने साल में? 10 साल में। 10 ईयर में हमने क्या किया? 9 गुना कर दिया, 1 से 9 गुना हो गया। 27 गुना होने में कितना समय लगेगा बताइए? 27 गुना अगर हम इसका क्यूब करें तो 9 × 27 नहीं, इसका क्यूब करेंगे तो 9 × 81 ज़्यादा हो गया। 27 गुना करना है तो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। अगर हम इसको 3 बना लें तो हम क्या करेंगे? 1 से इसको 3 बना लेंगे, 3 का वर्ग कर लिया, कोई दिक्कत? इसे 1 का वर्ग बना लिया। देखिए 1 से कोई मतलब ही नहीं होता है, 1 का वर्ग करो चाहे क्यूब करो एक ही रहता है। 1 का वर्ग इधर 3 का वर्ग कर लिया, कितने साल दिया गया है? 10 साल दिया गया, बताइए कोई दिक्कत? 1 का क्यूब 1 का वर्ग 3 का वर्ग कर लिया, 3 × 9 होता है, इधर 10 साल है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसे 1 से 3 कर दें, इसका वर्ग हटा दें, तो यहाँ पे समय आधा रह जाएगा नहीं रह जाएगा बताइए? अगर हमने वर्ग हटाया, हमने क्या बताया था? 1 से जब धन 2 हुआ, ठीक है, या मतलब यहाँ पे 4 था 1 साल में, अगर हम 4 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करते हैं तो 2 साल में ये हो जाता है। अगर हम 1 साल करते हैं, अगर देखिए समय को घटाते हैं तो क्या होता है? वर्ग घट जाता है। इसी प्रकार अगर हमने समय को घटा दिया, वर्ग को हटाया तो समय घट गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ से 5 साल में 3 गुना हो गया, हमें 27 गुना करना है तो 27 किसका होता है? 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्या कर देंगे? क्यूब कर दिया। इधर क्या करिए? 1 का क्यूब कर दीजिए, 5 साल में 3 गुना, 27 में हमने इसका क्यूब किया है तो ये क्या हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 15 ईयर, 3 का गुणा कर दिया समय में, बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको देखते हैं कई किस तरीके से आप लोग करते हैं। सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, कोई धन पर 3 साल में 16.66% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 254 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए रेट कितनी दी गई है? दर दी गई है 16.66%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेट को 16.63%, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब हम जानते हैं क्या होता है? 1/6 जानते हैं, हमने पहले वीडियो में बताया है 16.63% का मतलब क्या होता है? 1/6, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 254 हो जाता है 3 साल में, कितने साल में? 3 साल में। देखिए रेट कितनी है? 1/6, मतलब जो धन है, जो धन है वो 6 से 1 बढ़ता है, 6 से 1 बढ़ता है, मतलब 6 से कितना हो जाता है? 7 होता है, 6 से धन कितना होता है? 7 होता है, ठीक है, 1 साल में, 1 साल में 6 से 7 होता है। लेकिन यहाँ बात कितने की हो रही? 3 साल की बात हो रही है, तो यहाँ 6 का क्यूब कर दीजिए, इधर 7 का क्यूब कर दीजिए, तभी तो 3 साल आएगा। 6 का क्यूब इधर 7 का क्यूब कर दिया, समय को 3 गुना किया तो इधर क्यूब करना पड़ा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 3 साल का पूछा गया, 1/6 था, 6 से 7 हो रहा है, 3 साल में 6 का क्यूब, इधर 7 का क्यूब 3 साल में हो गया। अब यहाँ 6 का क्यूब होता कितना है? 6 का क्यूब होता है 216, कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, कितना होता है? 7 का क्यूब 343 होता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ ब्याज कितना हो रहा है? 216 से धन कितना हो रहा है? 243 हो रहा है, 216 से धन कितना हो रहा है? 343, तो कितना बढ़ता है धन? 127 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है?
127। लेकिन सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है? देखिए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 127 तीन साल में। लेकिन सवाल में कितना दिया गया है, 254 दिया गया, नहीं दिया गया सवाल में 254 दिया गया है, तो 127 दो गुना दिया गया है, दिया गया है एक का मान दो, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था वो दोगुना दिया गया था, इसका मतलब मूलधन भी दोगुना होगा, 216 ना होके कितना होगा, दो का गुणा कर देंगे 432 कितना होगा 432। ठीक है, इसमें मूलधन ज्ञात करना था तो मूलधन कितना आ गया 432, यही इस सवाल का आंसर है। और इस सवाल को इस तरीके से करिए, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, और फिर आगे के सवाल जो हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।